तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो इंटरफेस है ग्रफाना का वो कैसे होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोशिश करिए जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उन तक ये चैनल को पहुँचाइए। उससे क्या है कि जो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, प्लस मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करूँ जिसमें जो कि हमारे हिंदी जो टेक्निकल चैनल्स हैं वो भी आगे निकल सके। और स्पेशली जो ऐसे स्टूडेंट्स वगैरह हैं या ऐसे जॉब सीकर्स हैं जो कि जॉब की तलाश में है लेकिन उनको लैंग्वेज वगैरह की प्रॉब्लम है और जो इंग्लिश में वो इतनी आसानी से जो टेक्निकल टॉपिक है वो समझ नहीं पाते हैं, तो ये जो चैनल है वो इतना ग्रो कर सके कि ये जो है हिंदी में टेक्नोलॉजी वगैरह सीखने के लिए एक ऐसा चैनल बन सके जिससे लोग बहुत ही आसानी से टेक्निकल चीज़ों को सीख सके अपनी मदर टंग में और आसानी से चीज़ों को समझ सके और उसके साथ साथ जॉब वगैरह आसानी से ले सके टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में। अब शुरू करते हैं। ये जो इंटरफेस इसका होता है, ये आपने जैसा कि देखा होम पेज इस तरह का दिखता है और जो होम पेज है ये बेसिकली एक डैशबोर्ड है। तो ये डैशबोर्ड बना हुआ है, सिमिलरली जो आप डिफरेंट टाइप के डैशबोर्ड बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन उसमें रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो बात करते हैं हम लेफ़्ट साइड वाले ऑप्शंस की, तो लेफ़्ट साइड में जो आप बार देख रहे हैं सबसे पहले जो है ये होम है, तो इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपका ग्रफाना का जो बेस URL है या होम URL है वो खुल जाएगा और उसके नीचे आता है सर्च ऑप्शन। तो अगर सर्च पे आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे अगर जैसे आपने अभी तो यहाँ पे डैशबोर्ड हमारा बिल्कुल खाली है, लेकिन जैसे अगर आपने ग्रफाना में कुछ 200-300 डैशबोर्ड बना रखे हैं और आप उन डैशबोर्ड्स को ढूंढना चाहते हैं तो आप कोई भी की वर्ड डाल के डिफरेंट डैशबोर्ड्स को ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि शुरू में जब भी आप किसी टेक्नोलॉजी पे या जैसे ग्रफाना वगैरह या किसी और विजुअलाइजेशन टूल में काम करते हो तो धीरे धीरे आप जो नंबर ऑफ डैशबोर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और बाद में क्या होता है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर डैशबोर्ड ढूंढना है तो उसको ढूंढने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए यहाँ पे सर्च की ऑप्शन दी गई है, जो भी आपको डैशबोर्ड चाहिए उसको आप बहुत ही आराम से ढूंढ सकते हो किसी पर्टिकुलर कीवर्ड से। अब फिर से लेफ्ट में जाते हैं, जो सर्च के नीचे ऑप्शन है वो है प्लस का, प्लस यानी कि क्रिएट का यानी कि ऐड का। तो क्रिएट आप क्या कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो डैशबोर्ड्स, आप क्रिएट कर सकते हो फोल्डर या आप इंपोर्ट कर सकते हो ऑलरेडी क्रिएटेड डैशबोर्ड्स। तो सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ डैशबोर्ड पे। अगर डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये जो है एक नई विंडो खुल गई है जिसका नाम है न्यू डैशबोर्ड। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो है नए डैशबोर्ड की ऑप्शन है, यहाँ पर आप नया पैनल ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे जो जब आप न्यू डैशबोर्ड वाले ऑप्शन में होते हो तो यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे डिफरेंट ऑप्शंस इनेबल हो गए होते हैं। जैसे कि आप जो पहला ऑप्शन देखोगे वो है ऐड पैनल का, यानी कि यहाँ पे क्लिक करके आप पैनल्स ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्लिक करता हूँ और आप देख रहे हो ये जो पैनल यहाँ पे फर्स्ट ऑलरेडी पैनल ऐड हो रखा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मैं एक नया पैनल ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हम यूज़ करेंगे डैशबोर्ड बनाने के लिए। एज ऑफ नाउ आप बस ये समझ लीजिए कि जो एक डैशबोर्ड है वो मल्टीपल पैनल से बना होता है और ये जो आप देख रहे हो एंटिटी या सिंगल आइटम, इसको एक हम पैनल बोलते हैं। और पैनल को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो और आप एक डैशबोर्ड में मल्टीपल पैनल्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अब देखोगे आप तो एक और नया पैनल ऐड हो गया और बाय डिफॉल्ट जो है ये डमी डेटा है वो सब दिखा रहा है। तो आप इसकी अभी चिंता मत कीजिए, मैं पूरा आपको समझाऊंगा कैसे आप जो है डैशबोर्ड बना सकते हो, ठीक है। तो ये आप देखोगे पैनल्स हैं, डिफरेंट पैनल्स हैं। इस पैनल्स को मैं डिफरेंट शेप एंड साइजेस का रख सकता हूँ, जैसे भी हमें डिज़ाइन करना है उसके हिसाब से हम अपना पूरा डैशबोर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ऐड पैनल के बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेव डैशबोर्ड का। जैसे कि आपने जैसे ये डैशबोर्ड एक बार बना लिया तो आप इसको सेव कर सकते हैं। जब आप सेव डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे तो ये आपसे नाम पूछेगा कि इस डैशबोर्ड को आप किस नाम से सेव करना चाहते हो और उसके नीचे जो है फोल्डर की ऑप्शन आती है। तो जब भी आप डैशबोर्ड्स बनाओगे उस डैशबोर्ड्स को आप जो है डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर में ऑर्गेनाइज करोगे। सो फॉर एग्जांपल जैसे अगर सिस्टम हेल्थ चेकअप से रिलेटेड डैशबोर्ड्स हैं तो उसको मे भी आप जो है हेल्थ चेकअप वाले फोल्डर में रखोगे। उसके बाद जैसे कोई जो आपने डैशबोर्ड बनाए हैं जो कि जो है लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो मे भी आप उसको डिफरेंट फोल्डर के अंडर ऑर्गेनाइज करना चाहोगे। तो जो भी आपका जो रिलेटेड डैशबोर्ड्स है उसका आप एक फोल्डर बना सकते हो और उसको जो जितने भी डैशबोर्ड्स हैं उसको उस रिलेटेड फोल्डर के अंदर रख सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि हम जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं डिफरेंट ऑप्शंस। तो सेव से जो नेक्स्ट में ऑप्शन है वो है डैशबोर्ड सेटिंग की। जो डैशबोर्ड सेटिंग वाला ऑप्शन है इसको भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, स्पेशली जो डिफरेंट फीचर्स इनेबल करने के लिए। जैसे अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे न्यू डैशबोर्ड का जो सेटिंग का ऑप्शन खुल गया जिसके अंदर बहुत से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मेनली वेरिएबल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं
और कुछ जनरल सेटिंग्स होती हैं वो इनेबल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड के रिलेटेड। जो भी आप सेटिंग यहाँ पे करोगे वो सिर्फ और सिर्फ इस डैशबोर्ड के लिए एप्लीकेबल होगी। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ गो बैक, या आप एस्केप भी प्रेस कर सकते थे। तो यानी यहाँ पे अगर मैं डैशबोर्ड सेटिंग से कोई भी सेटिंग करता हूँ तो वो सिर्फ जो है इस वाले डैशबोर्ड के लिए एप्लीकेबल होगी। उसके बाद मैं कोई नया डैशबोर्ड क्रिएट करता हूँ तो उस नए वाले डैशबोर्ड पे फिर से मुझे अगर कोई सेटिंग चेंज करनी है तो मुझे डैशबोर्ड सेटिंग पे जाके सेटिंग चेंज करनी होगी। अब इसके नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है डिस्प्ले से रिलेटेड। अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेकर जाता हूँ तो ये कह रहा है साइकिल व्यू मोड। तो बेसिकली जो ये डिफ़ॉल्ट मोड है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जो लेफ़्ट में जो पेन वगैरह थे वो ऑप्शन चली गई हैं, और अगर एक बार मैं और इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे जो टॉप पे हेडर वगैरह में जो ऑप्शन थे वो भी जा चुके हैं। तो ये वाला जो मोड है ये आप तभी यूज़ करोगे जब आपको जैसे नॉक रूम वगैरह में आपको अपने डैशबोर्ड लगाने हैं जो कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होंगे। और आप देखोगे उस ऑप्शन से क्या हुआ है कि जो लेफ्ट में जितनी भी यूजेबल स्पेस थी वो हट गई है, तो आपका जो डैशबोर्ड है थोड़ा बेटर दिख रहा है मॉनिटरिंग पर्सपेक्टिव से। आपको फिर से वापस जाने के लिए एस्केप दबाना है। एस्केप के बाद जो भी ऑप्शन था जो डिफ़ॉल्ट व्यू था वो इनेबल हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फिल्टर की ऑप्शन। यहाँ पे आप जो भी आप डैशबोर्ड बनाओगे उसको आप या तो डिफरेंट टाइम रेंज में देखना चाहोगे तो उसके लिए जो है आप डिफरेंट जो रिलेटिव टाइम रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, या जैसे आप कोई सर्टन टाइम रेंज में ही उस डैशबोर्ड की वैल्यू देखना चाहते हो, जैसे आप पिछले 7 दिन का डेटा चाहते हो तो उस केस में आप फ्रॉम में और टू में जो है डिफरेंट टाइम रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जब आप अप्लाई टाइम रेंज करोगे तो आपको इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड में जो डेटा दिखाएगा वो उसी पर्टिकुलर टाइम रेंज का दिखाएगा। इससे नेक्स्ट में जो ऑप्शन है वो है जूम इन और जूम आउट का। तो अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो ये जो जूम इन और जूम आउट करेगा, तो जूम इन जैसे ही आपको पता ही है जो बेसिकली जूम इन जूम आउट फीचर होता है, यानी कि आप डैशबोर्ड को क्लोजली देखना चाहते हो या लेस क्लोजली देखना चाहते हो तो उसके लिए आप जूम इन जूम आउट वगैरह इनेबल कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिफ़्रेश डैशबोर्ड का। जो रिफ़्रेश डैशबोर्ड है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो डैशबोर्ड का डेटा है वो कितने देर बाद रिफ़्रेश होगा यानी कि चेंज होगा। तो अगर आपका जो डैशबोर्ड है जिसमें लैसे बहुत फ्रीक्वेंट डेटा आता है, आपने जो आपका डेटा सोर्स है वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, तो आप उसके हिसाब से ये डैशबोर्ड की रिफ़्रेश फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो। लैसे अगर आपको चाहिए कि हर 5 सेकंड बाद जो आपका डैशबोर्ड है वो फिर से रिफ़्रेश हो और उस जो भी नया डेटा आया है डेटा सोर्स में उसके हिसाब से ये डैशबोर्ड की वैल्यूज़ जो है वो चेंज करे, तो उसके लिए जो आप हैं डिफरेंट डिफरेंट रिफ़्रेश इंटरवल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग जाते हैं फिर से, हम यहाँ पे थे प्लस में क्रिएट डैशबोर्ड के। क्रिएट डैशबोर्ड के बाद हम लोगों के पास ऑप्शन है फोल्डर क्रिएट करने की। तो अगर आप फोल्डर पे क्रिएट करते हैं, ये जो एरर है ये एरर ये इसलिए दे रहा है, ये बोल रहा है कि इस डैशबोर्ड को मैंने सेव नहीं किया है। तो अगर मैं किसी और ऑप्शन पे जा रहा हूँ तो ये बोलता है कि ये डैशबोर्ड जो है जो भी आपने क्रिएट किया उसका डेटा उड़ जाएगा। तो एज ऑफ नाउ वी डोंट केयर कि क्योंकि ये जो डैशबोर्ड है सिर्फ डमी डैशबोर्ड है। सो हम लोग प्लस पे जाएंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो प्लस पे क्लिक करके फोल्डर पे क्लिक करने से जो ऑप्शन आया है वो है डिफरेंट फोल्डर क्रिएट करने का। तो जैसे हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसको हम नाम देते हैं सिस्टम हेल्थ चेक का। अब इस पे यहाँ पे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो ये क्या हुआ है कि अब जो हमारा फोल्डर था वो फोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो अब अगर फिर से मैं प्लस पे जाता हूँ और फिर मैं फोल्डर पे क्रिएट करता हूँ और फिर मैनेज पे क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ देखोगे जो भी हमने सिस्टम हेल्थ चेक का फोल्डर बनाया था वो फोल्डर यहाँ पे आ चुका है। अब जो भी मैं नया डैशबोर्ड बनाऊंगा वो मैं इस फोल्डर के अंदर सेव कर सकता हूँ। तो जिससे क्या होगा कि जो भी आपके जो डैशबोर्ड्स हैं वो सारे ऑर्गेनाइज रहेंगे। ये और बेटर वे में आपको तब समझ में आएगा जब मैं इसको डैशबोर्ड क्रिएट करके और उस डैशबोर्ड नए डैशबोर्ड को इस फोल्डर के अंदर सेव करूंगा। एज ऑफ नाउ ये जो यहाँ पे जो प्लस में ऑप्शन है वो है डैशबोर्ड फोल्डर और इंपोर्ट की। तो डैशबोर्ड और फोल्डर हमने ऑलरेडी देख लिया, अब मूव करते हैं इंपोर्ट पे। जब आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये बोलता है कि जो भी आपका डैशबोर्ड ऑलरेडी बना हुआ है डिफरेंट जो है किसी और ग्रफाना यू नो वेबसाइट पे, या जैसे आपका जो डैशबोर्ड है ऑलरेडी बना हुआ है और आपने उसको एक्सपोर्ट कर रखा है तो उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। यानी कि जैसे अगर आपने एक सिस्टम से बनाया है डैशबोर्ड तो उसको दूसरे सिस्टम में इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये आपका तब ज़्यादा यूज़फुल होगा जब आपको ये जो है अगर आपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में डैशबोर्ड बनाया है और उसको जो है आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में मूव करना चाहते हो। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। जो ये आप नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हो ये डैशबोर्ड से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर मैं होम पे क्लिक करूँगा तो ये आपको जो होम जो भी होम पेज आपका सेट होगा वहाँ पे ले जाएगा। तो ये ग्रफाना का डिफ़ॉल्ट होम पेज है जहाँ पे ये हमें ले जा रहा है। उसके बाद अगर मैं नीचे आता हूँ तो नीचे तीन और ऑप्शन है, मैनेज प्लेलिस्ट एंड स्नैपशॉट।
तो मैनेज वाला जो ऑप्शन है उस पर हम ऑलरेडी थे जब हमने यहाँ प्लस पे क्रिएट करके भी जब हम फोल्डर पे गए थे, फोल्डर के बाद भी मैनेज पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप सेम ऑप्शन पे चले जाते हो। तो ये वही वाला फोल्डर है जहाँ से आप अपने जो हैं जहाँ से आप अपने डैशबोर्ड्स वगैरह को डिफरेंट फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब जो मैनेज के नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्लेलिस्ट्स एंड स्नैपशॉट की। तो ये वाला तब बेटर वे में समझ आएगा जब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा विद एग्जांपल, तो इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं। उसके अलावा जो नीचे ऑप्शन है वो है एक्सप्लोर की। एक्सप्लोर बेसिकली तब आप यूज़ करोगे जब आप डिफरेंट डेटा सोर्सेज और क्वेरी वगैरह यूज़ करने वाले हो। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे जब हम डैशबोर्ड बिल्ड करेंगे। तो एक्सप्लोर के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अलर्टिंग की। अलर्टिंग ऑप्शन हम लोग यूज़ करेंगे जब भी हम कुछ नया अलर्ट क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे अगर कोई सीपी यूटिलाइजेशन जो है 80% से ऊपर जाता है, उस केस में जैसे आप जो है अलर्ट भेजना चाहते हो या तो टेलीग्राम पे या ईमेल वगैरह पे, तो उस केस में हम जो है डिफरेंट नोटिफिकेशन चैनल्स को यूज़ करेंगे और जो है कन्फिग्रेशन करेंगे। तो ये चीज़ भी हम सीखेंगे अलर्टिंग वाले सेशन में। तो अलर्टिंग में सिर्फ इतना ही है, आप जो है अलर्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट नोटिफिकेशन चैनल्स के लिए। उसके बाद आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन में आप डिफरेंट डेटा सोर्सेज कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ डेटा सोर्सेज पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये मेरे को बोलेगा ऐड डेटा सोर्स। अगर मैं ऐड डेटा सोर्स पे क्लिक करूँ तो ये पूछेगा किस टाइप के डेटा सोर्स से आप कनेक्ट करना चाहते हो। तो आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत से डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेज है जिसको जिससे आप कनेक्ट हो सकते हो। और आई मीन देयर आर ऑब्वियसली मतलब जितनी भी ऑप्शंस आई थिंक हो सकती हैं वो सारी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी हम इसको फिर से कैंसिल करते हैं, अभी हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपको सिखाऊंगा डैशबोर्ड क्रिएट करना उस टाइम पे हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाके नया डेटा सोर्स ऐड करेंगे। तो जो कॉन्फ़िगरेशन में डेटा सोर्स के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यूज़र्स की। तो जब भी आप डैशबोर्ड वगैरह बनाते हो आप डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं उनको एक्सेस देते हो, तो उनका यूज़र आईडी क्रिएशन के लिए आपको जो है यूज़र्स वाले पेज पे जाना है। इसके बाद आप जो है इनवाइट पे क्लिक करके जो इनविटेशन यानी कि नया यूज़र बनाओगे और उनके लिए जो भी है उनको ईमेल इनविटेशन वगैरह जाएगा। तो ये भी तब देखेंगे ज़्यादा डिटेल में जब हम यूज़र क्रिएट करेंगे। अभी के लिए बैक पे क्रिएट करते हैं और पीछे जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी एक एडमिन यूज़र बना हुआ है, ये सेम यूज़र है जिसके साथ हमने लॉगिन किया था। तो ये जो एडमिन यूज़र है ये बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, वो है टीम्स। तो यूजुअली जब भी आप बेसिकली जो सेट ऑफ यू नो टीम है या आप उसको बोल सकते हैं ग्रुप, जैसे सेट ऑफ पीपल है जिसको आप सेम एक्सेस देना चाहते हो, तो उसको आप जो है एक टीम का पार्ट बना सकते हो। अब हम लोग जाते हैं अगेन इसको तब थोड़ा बेटर वे में आपको समझ आएगा जब मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अब मूव ऑन करते हैं प्लगइन्स वाले सेक्शन पे। प्लगइन्स यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट ग्राफाना में ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसके अलावा जो बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं जो कि आप एज अ प्लगइन इनेबल कर सकते हो। प्लगइन यानी कि एड ऑन फीचर यानी कि कुछ एक्स्ट्रा जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। तो डिफरेंट प्लगइन्स अवेलेबल हैं जो कि आप ग्राफाना मार्केट प्लेस से या तो फ्री में या कुछ ऐसे भी हैं जो कि एंटरप्राइज लेवल के हैं जिसको आप खरीद सकते हो। तो प्लगइन्स के बाद ऑप्शन आता है प्रेफरेंसेस का। अगर मैं प्रेफरेंस पे जाता हूँ तो यहाँ पे जो है मैं थीम वगैरह जो डिफ़ॉल्ट थीम है जो डार्क है उसकी जगह मैं लाइट सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर यहाँ पे मैं सेव करता हूँ तो ये जो थीम है ये आप देखो ये डार्क की जगह अब जो है लाइट थीम में चेंज हो जाएगी। अगेन ये जो जितने भी जो ऑप्शंस यहाँ से अगर मैं चेंज करूँगा ये जितने भी यूज़र्स होंगे सबके लिए एप्लीकेबल होंगे। तो मैं यहाँ अभी इसको वापस डार्क कर देता हूँ बिकॉज़ जो लाइट थीम है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है और मेरे को ये इतना ज़्यादा ब्राइट कलर अच्छा नहीं होता अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हो सिस्टम पे। तो यहाँ पे जो भी आप ऑप्शन चेंज करते हो वो जो है पूरे ग्राफाना में जितने भी यूज़र्स हैं सबके लिए चेंज हो जाता है। तो अब इसके बाद जाते हैं प्रेफरेंसेस के बाद एपीआई कीज़। एपीआई कीज़ आप लोग तब यूज़ करोगे जब आप लोग प्रोग्रामेटिकली जो ग्राफाना से इंटरेक्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल ऐसे आप पाइथन प्रोग्रामिंग यूज़ करके एपीआईज कॉल करना चाहते हो जो कि ऑटोमेटिकली यूज़र क्रिएट कर देगा ग्राफाना में, तो वो सब चीज़ें जो हैं उसके लिए आपको एक टोकन चाहिए होता है और वो जो टोकन है वो आपको यहाँ से मिलेगा न्यू एपीआई की में। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे बाद में। और जो है कॉन्फ़िगरेशन में इतनी ही ऑप्शन थी। उसके बाद लेफ्ट में अगर हम जाए तो फिर से आता है सर्वर एडमिन। सर्वर एडमिन में आता है यूज़र्स, ऑर्गेनाइजेशन, सेटिंग्स, स्टेट्स एंड अपग्रेड। यूज़र्स में आप जो है डिफरेंट यूज़र्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, उनको मैनेज कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशंस वाला ऑप्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी ये वाला फीचर जो है वो डिसेबल होने वाला है ग्राफाना से, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगर आप क्लिक करोगे तो सेटिंग्स में जो भी ग्राफाना
डॉट आई एन आई जो फाइल होती है, यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, उस फाइल में जितना भी डिटेल होती है वो सबका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। तो जो भी आपको सेटिंग देखनी है कि ग्रफाना में इस टाइप पे क्या सेटिंग है, वो सारी सेटिंग यहाँ पे पड़ी होती है, आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आपको चेंजेस करने हैं बैकएंड पे, यानी सर्वर पे जाके आपको ग्रफाना डॉट आई एन आई फाइल में चेंजेस करने हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपको देखना है कि वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए कि नहीं, तो वो वाले चेंजेस जो हैं आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाके चेक कर सकते हो। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। जो नेक्स्ट ऑप्शन है स्टैट्स से रिलेटेड है। आप देख सकते हो कितने यूजर्स हैं जो जिन्होंने लॉगिन किया है इस टाइम पे, कितने एडमिन हैं, कितने व्यूअर्स हैं। तो ये सारी जो ऑप्शन है बेसिकली एडमिन के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप जो है ग्रफाना को एज ए डिवेलपर यूज़ करना चाहते हैं, तो ये जितनी भी ऑप्शन यहाँ पे हैं सर्वर एडमिन में, वो आपके लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन हाँ, इट इज़ गुड टू नो। तो अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप इजीली जो है ग्रफाना को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अब इन सब ऑप्शंस के बाद जो है बॉटम पे अगर स्क्रॉल करें, तो यहाँ पे आप देखोगे फिर से ऑप्शन आता है जो कि आपका यूज़र, ये बता रहा है कि आप किस यूज़र से लॉगिन हो। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है एडमिन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है एडमिन यूज़र था और हम लोग एडमिन यूज़र से लॉगिन है। तो थोड़ा ऊपर ऑप्शन आ रही है साइन आउट की। अगर मेरे को साइन आउट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके साइन आउट कर सकता हूँ। अगर मुझे जो पासवर्ड चेंज करना है, जो कि आपको पता है कि अभी मेरा जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड था एडमिन एडमिन मैं सेम यूज़ कर रहा हूँ, अगर मेरे को वो चेंज करना है तो मैं यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके उसको जो है चेंज कर सकता हूँ। इससे ऊपर है प्रेफरेंसेस। अगर जैसे मैं यहाँ प्रेफरेंसेस में जाके जो थीम वगैरह लाइट मोड में चेंज करता हूँ, तो ये जो प्रेफरेंस है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे यूज़र के लिए होगी। जैसे अगर आप अपने यूज़र से जब यहाँ लॉगिन करोगे, तो आपके लिए हो सकता है डिफ़ॉल्ट डार्क मोड इनेबल हो, या अगर आप जो भी है अगर आप लाइट मोड सेलेक्ट करते हैं तो आपके लिए हो सकता है लाइट मोड सेलेक्टेड हो। लेकिन अगर मैं इस वाले कॉन्फ़िगरेशन से जाके अगर मैं चेंज कर देता हूँ प्रेफरेंसेस, तो वो सबके लिए अप्लीकेबल होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से आकर अगर चेंज करता हूँ प्रेफरेंसेस, तो ये सिर्फ इस वाले यूज़र जो कि जिस यूज़र से हम लॉगिन हैं उसी वाले यूज़र के लिए अप्लीकेबल होगी। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हेल्प की, यानी अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना है ग्रफाना का तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको जो सपोर्ट में टिकट वगैरह लॉक करनी है ग्रफाना की, तो वो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कम्युनिटी साइट पे जाना है, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो ग्रफाना की जो कम्युनिटी है वहाँ पे आप जो है ये वहाँ पे आपको ले जाएगा। तो यहाँ जाके जो है आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो भी आपके क्वेश्चंस है वो यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे बहुत से लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं, जैसे कि हाउ टू इंस्टॉल ग्रफाना प्लगइन्स नॉट विजिबल। तो अगर आपको यहाँ पे कम्युनिटी में एंगेज होना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस या डिफरेंट इशू देखने से आपको क्या होता है, आपको ज़्यादा बेटर आइडिया मिलता है कि ग्रफाना में क्या क्या चल रहा है और कौन सी चीज़ों पर लोग काम कर रहे हैं। तो आप उसके हिसाब से अपने आप को या अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। तो इतना ही था ग्रफाना इंटरफेस के बारे में। अब जो है नेक्स्ट, अब हम लोग क्रिएट करेंगे ग्रफाना डेटा सोर्स, और उसके बाद जो है हम अपना फर्स्ट डैशबोर्ड बनाना शुरू करेंगे।